हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम नर्सिंग असिस्टेंट की सुबह से लेकर शाम तक का काम बताऊंगा आपको, कितने घंटे रेस्ट मिलेंगे, कितने घंटे काम करना पड़ेगा और क्या काम रहता है रेजिमेंट में आपकी। ऐसे तो काफ़ी वीडियो बने, आज की वीडियो थोड़ा सा अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद का बताऊंगा आपको, ट्रेनिंग से पहले वाला वीडियो आपके पास है, चैनल में जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल में नया है, लगता है यूजफुल चैनल है, आप सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। चलिए लाइक कर दिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट का जैसे सफ़र शुरू होता है, आपका जो भी क्या है फास्ट पोस्टिंग होता है वो कोई भी यूनिट में भी फास्ट पोस्टिंग हो जाएगा या फिर एमएच में भी फास्ट पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 90-95% का चांसेस है कि आपकी एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग होता है। वहाँ पर आपका दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे, आप 5 बजे उठ जाते हो, 6 बजे आपकी पीटी पीरियड रहता है, फिजिकल ट्रेनिंग। यहाँ पर आप बोलोगे सर मैं नर्सिंग असिस्टेंट हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग, भाई पहले आप फौज में हैं बाद में नर्सिंग असिस्टेंट है, ठीक है। पहले हम देश की रक्षा के लिए हम राशन मतलब क्या है करते हैं, उसके लिए वर्दी पहना है, ठीक है, बाद में हम नर्सिंग असिस्टेंट है। तो इस हिसाब से क्या है आपकी पहले 6 बजे आप पीटी करोगे, 40 मिनट का पीटी रहेगा, 6 से 6:40 या फिर जैसे 40 मिनट का रहता है, मतलब 7 बजे तक आपका ये शिक्षा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 7 बजे के बाद आप वापस जाते हैं अपने बैरिक्स पे, या फिर अगर आप फैमिली मेम्बर है तो जाते हैं आप फैमिली मेम्बर क्वार्टर, वहाँ पर होगा। आपकी बैरिक्स लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर रहता है और आपकी जो मतलब फैमिली मेंबर अगर आप हो तो क्वार्टर 2-3-4-5 किलोमीटर तक वेरी कर सकता है, लेकिन वो अंदर कैंटोनमेंट होगा। आपको अगर आपने वो सोचा है कि मैं फैमिली मेंबर बनना चाहता हूँ, शादी के बाद वाइफ साथ में रखना चाहता हूँ, और ऐसे भी आपको रखना चाहिए, लाइफ की थोड़े मजे लो, तो उसी हिसाब से आपको 21 साल की उम्र चाहिए। 21 साल के बाद आप क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन इमरजेंसी केसेस आप 19 साल के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जैसे पीटी खत्म हो जाता है, आप जाते हो फर्स्ट क्लास नहा धो के ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे आप मिलिट्री हॉस्पिटल आते हो। वहाँ पर आपका अलग अलग ट्रेड रहता है, जैसे किसी का रेडियोग्राफी है, ठीक है, कोई फास्ट एड में बैठा है, कोई डिस्पेंसरी में बैठा है, कोई उधर रिसेप्शन में बैठा है। तो जिसका जो काम है, जो ट्रेड आपको मिला है, डेंटल में है, डेंटल में चला गया, तो वो काम करोगे कब तक, जैसे पेशेंट आते रहेंगे, सोल्जर्स आते रहेंगे, आप काम करोगे 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 बजे तक आपकी ऑफ हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 2 बजे तक ये सारी चीज़ करने के बाद वापस अपने क्वार्टर या फिर वापस अपने जो बैरिक से सोल्जर्स रहते हैं वहाँ पर आप चले जाओगे। उसके बाद खाना पीना खा के आपका 4:30 बजे करीब आपको आना पड़ेगा गेम पीरियड के लिए। गेम में क्या होगा, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बहुत सारे गेम होते हैं वहाँ पर भी। यहाँ पर है कि गेम कितने मिनट का होता है, कभी कभी 40 मिनट का होता है, कभी कभी 1 घंटे का होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका गेम मान लो 4:30 से 5:30 हुआ, फिर वापस जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, एमएच में जैसे जिसका शाम को कोई काम है जाएगा, जैसे सुबह रिपोर्ट बनाना है, किसी ने कुछ जैसे यूरिन दिया एग्जाम के लिए, हो नहीं पाया ऑफिस टाइम में, तो शाम को कंप्लीट करके आप सुबह पर्ची रख देंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई काम बचा है वापस मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएंगे काम करेंगे। हाँ, यहाँ पर स्टैंड बाई नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं हर टाइम, एमएच में कम से कम 10-12 मिलेंगे, जो उनकी क्या 8-8 घंटे का शिफ्ट रहता है, वो रात में भी रहता है, क्योंकि हम क्या फौज में है, कोई इमरजेंसी केसेस हो गया, कहीं कैजुअलिटी हो गया तो कौन करेगा उसको। पहले क्या है, डॉक्टर भी स्टैंड बाई रहते हैं, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ भी स्टैंड बाई रहते हैं, और नर्सिंग असिस्टेंट भी स्टैंड बाई रहते हैं। तो यहाँ पर क्या रात को भी आपका ड्यूटी रहेगा, लेकिन डेली नहीं रहेगा, 2-3 दिन के बाद एक दिन आपका रात को ड्यूटी आएगा, बाकी दिन आप क्या है अपना काम कर सकते हो। 5:30 बजे गए नहाए धोए और थोड़ा कैंटोनमेंट घूमा, थोड़ा दुकान में चले गए, जूस जस पिया, आइसक्रीम खाए, ठीक है, थोड़ा घूम काम के आए, फिर रात को 8:30 बजे खाना मिल जाता है, 8 से लेकर 9 बजे तक अपना डिनर किया। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, एससीसी देना चाहते हो, अफसर बनना चाहते हो, उसकी पढ़ाई कर सकते हो, फिजिकल फिटनेस रखना चाहते हो, जिम जा सकते हो, ठीक है, कोई उसमें क्या है रुकावट नहीं है, बहुत अच्छा संस्था है। लेकिन आपका क्या है थोड़े उस हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ेगा, मुझे करना क्या। अगर आप वहाँ से पैरा एसएफ ज्वाइन करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, अगर वहाँ एनएसजी जाना चाहते हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मैंने बताया हुआ है हर वीडियो में कैसे कर सकते हो, आपको हर वीडियो मैंने क्लियर बताया है। तो वहाँ पर जैसे 5:30-6 बजे आप फैमिली मेंबर है, मान लीजिए शादीशुदा है, तो आप क्वार्टर में चले गए, वहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। बाहर अगर आपको घूमना है कैंटोनमेंट में तो आप बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या वो संडे को मैक्सिमम रहता है, बाकी दिन बिजी शेड्यूल रहता है तो आप बाहर नहीं जा पाते। तो ये मतलब आपका दिन का ये लगे आप 2 बजे तक, उसके बाद 4 से लेकर 5 या फिर 4:30 से 5:30, उसके बाद अगर आपका काम रहा तो ठीक है, नहीं तो आप पूरी रात रेस्ट कर सकते हो और सुबह फिर आपका शुरू हो जाता है वही पीटी टाइम में। तो ये लगभग आपका शेड्यूल रहेगा। इसके बीच में आपके सिंगल मेंबर हो हमारे जैसे तो घूमते रहोगे अपने बड्डियों के साथ इधर उधर, ठीक है, टाइम पास होता रहता है। अगर आप फैमिली मेंबर है, शादीशुदा है, तो अपनी फैमिली के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हो क्वार्टर में, ठीक है।
तो इस हिसाब से आपको क्वार्टर ले लेना चाहिए। 31 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो अगर क्वार्टर लेते हो तो। उसके बाद फादर मदर को भी रख सकते हो, घुमा सकते हो कैंटोनमेंट में। आपकी पोस्टिंग हर 3 साल में चेंज कर दिया जाएगा। ये हो गया आपके एमएच का शेड्यूल। अभी आते हैं हम यूनिट का शेड्यूल। अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए किसी यूनिट में हो गया, अभी आपका एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या मैं चॉइस ऑफ यूनिट ले सकता हूँ, कि मैं गोरखा में जाना चाहता हूँ, गढ़वाल में जाना चाहता हूँ, या फिर कोई मतलब ऐसे जगह जाना चाहता है इन्फेंट्री आर्टी आर्मर्ड सप्लाई में जाना चाहता है, तो वहाँ पर नहीं ले सकते आप। ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए होता है, जब वो कमीशन होते हैं एनडीए से तब वो ले सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं ले सकते। यहाँ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ वैकेंसी वो आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। यूनिट में सेम आपकी पीटी होता है, उसके बाद 8:30 बजे आपका क्या करते हो, आपने जो एक स्टोर होगा नर्सिंग असिस्टेंट का, जो मेडिसिन छोटा सा मिनी बोल सकते हो उसको हॉस्पिटल, वहाँ जाओगे आप अकेले या फिर 2 बंदे ही रहते हैं, मैक्सिमम एक ही रहता है। वहाँ पर जाओगे और उसके बाद आप देखोगे कोई पेशेंट है जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर आओगे डॉक्टर के पास, वो आपका काम है। और अगर उसको नॉर्मल सा बुखार है वो आप टेबलेट देकर उसको वहीं इलाज कर सकते हो। वहाँ पर से आके फिर आप वापस जाएंगे यूनिट में। अगर ऐसे छोटा मोटा केसेस हो गया, किसी का फास्ट एड देना है, किसी को मेडिसिन चाहिए, कोई यूनिट में जिसकी वाइफ बीमार है, फैमिली मेम्बर बीमार है, तो उनकी भी आप ही मतलब देखभाल करते हो, ठीक है। तो रेस्पेक्ट के मामले में आपको बहुत मिलेगा, एक ही आप रहोगे उसके साथ, ठीक है। 500-600 में अगर एक बंदा यूनिक है तो उसकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वही है 4:30-5 बजे आपकी गेम फॉलोइन हो जाते हैं, वहाँ पर जाओ गेम खेलो अपना, शाम को नहा धो के फ्रेश होके घूमते रहो। और कोई केसेस आया रात को, किसी को बुखार आया या फिर कोई ऐसे क्लासेस चलाना है, कोई नियर डिजीज आ रहा है उसके वजह से क्लासेस चलाना है, तो शाम को चलाते हैं वो, कहीं 1-2 महीने में एक बार होता है, ठीक है। बाकी जो एरिया का जो जिम्मेदार आपका होता है, जो यूनिट का जो भी एरिया है, जैसे एरिया क्लीन करना उसको करवाना, मतलब सफाई वाले वगैरह रहते हैं उनको बता के वो क्लीन करवाना, एरिया को बिल्कुल सैनिटाइज रखना, वो आपका काम होता है। क्योंकि आप नर्सिंग असिस्टेंट है, आप क्या मेडिसिन या फिर मेडिकल के साथ डील करते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से आपके पास जितने भी मेडिसिन आता है उसको, जैसे एमएच में मेडिसिन लाना है, मेडिसिन ख़त्म हो गया उसको डिमांड देना, ये सारी चीज़ आपका काम रहता है, पूरा मतलब केयर टेकर के काम करते हो आप, ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया है। कुछ भी रह गया तो नीचे कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।